हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको द व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन का हाफ पार्ट समझा दिया था। आगे का हाफ पार्ट मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँ। एक और बात, जिन्होंने भी ये ऐप जो मैंने अभी आपको बताया था आयुष कवच ऐप, उसे डाउनलोड नहीं किया है, वो सब उसको डाउनलोड कर लें। ये कॉलेज की तरफ से नोटिस है और सबके लिए कंपल्सरी है। देखिए आगे, It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew. ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते या हम इंडियंस नहीं जानते कि मशीनरी को किस तरह से इन्वेंट किया जाता है, मशीनें बनाने नहीं जानते। बट अवर फोर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जानते थे डैट इफ वी सेट अवर हार्ट्स सच आफ्टर सच थिंग्स। यदि हम अपने हार्ट्स को इन चीज़ों के पीछे लगाएंगे, यानी अपना टाइम इन चीज़ों के पीछे देंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज अवर मॉरल फाइबर। तो हम दास बनकर रह जाएंगे, यानी मशीनों के दास बनकर रह जाएंगे और अपनी मॉरलिटी को भूल जाएंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलाइबरेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विद अवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें वही काम करते रहना चाहिए जितना कि हम उतना काम करते रहना चाहिए जो कि हम अपने हाथ पैरों से कर सकें। इसलिए हमें अपने हाथ पैरों को ही यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। सो उन्होंने देखा डेट अवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज़ ऑफ अवर हैंड्स एंड फीट, कि हमारी खुशी और हमारी हेल्थ किस में है, जब हम अपने हैंड्स और फीट का प्रॉपर यूज़ करते हैं। The further reason that large cities were a snare and a useless encumbrance that and that people would not be happy in them. साथ ही उनके आगे उनके एक रीज़न ये भी था कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक जाल की तरह से हैं, एंड अ यूजलेस एनकम्ब्रेंस, और जो यूजलेस, ये एक तरह से यूजलेस भार ही है, वजन है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और पीपल जो है उस बड़े बड़े शहर में खुश नहीं रहेंगे। दे वर देयर फोर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और साथ ही वहाँ पर थीव्स और रॉबर्स भी हो जाएंगे, प्रोस्टिट्यूशंस बढ़ जाएंगी लार्ज सिटीज़ में, वाइस फ्लरिशिंग इन दैम, बुराइयाँ हो जाएंगी, एंड डैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और गरीब आदमी जो है वो रिच मैन जो है वो गरीब आदमियों को लूटेगा। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वे स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाइड थे। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. साथ ही उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें, जो एथिक्स, जो नैतिक लोग हैं, उनकी तलवारों से inferior होती हैं, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. और इसीलिए वो राजा की इस पृथ्वी पर राजा से ज़्यादा किसको अहमियत देते थे, ऋषिज और फकीर्स को। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. ये जो हमारा नेशन है, हमारा राष्ट्र है, इसमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इसका ऐसा है जो कि फिट है दूसरों को सिखाने के लिए, ना कि दूसरों से सीखने के लिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस नेशन में, इस राष्ट्र में कोर्ट हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन उन सब में एक लिमिटनेस है, लिमिट में है वे। Everybody knew that these professions were not particularly superior. हर कोई जानता है कि particularly superior नहीं है, विशेष रूप से superior नहीं है ऐसा profession. Moreover, these vakils and vaids did not rob people. और जितने भी वकील हैं, वैद्य हैं, ये जो है लोगों को ठगते नहीं थे। They were considered people's dependents. वे लोगों पर depend थे, not their masters, ना कि उनके master थे। Justice was tolerably fair, और जो justice था वो पूरी तरह से fair था, न्यायपूर्ण था। The ordinary rule was to avoid courts, जो साधारण लोग थे वो court जाने से बचते थे। There were no torts to rule people into them, to lure people into them. और साथ ही वे जो लोग थे वे ऐसे नहीं थे कि वो लोगों को भ्रम में डालें, मतलब उन लोगों को उल्टा सीधा नहीं सिखाते थे। This evil too was noticeable only in and around capitals.
और ये जो बुराई है ये हम देख सकते हैं कैपिटल्स में अंदर भी और कैपिटल्स के चारों भी, यानी जो बड़ी बड़ी राजधानी होती है उनमें ये बुराई हम आसानी से देख सकते हैं। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली, कॉमन पीपल इंडिपेंडेंटली रहता था, स्वतंत्र रहता था, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन को फॉलो करता था। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे अपने स्वराज्य को इंजॉय करते थे। एंड वेयर दिस कर्स्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज नॉट रीच्ड, और जहाँ पर ये श्रापित आधुनिक सभ्यता जहाँ नहीं पहुँची है, इंडिया रिमेन्स एज इट वॉज बिफोर, इंडिया वैसा ही है जैसा कि वो पहले था। द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट पार्ट ऑफ इंडिया विल वेरी प्रॉपरली लाफ एट योर न्यू फैंगल्ड नोशंस, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यानी जहाँ पर आधुनिक सभ्यता नहीं पहुँची है, उस इंडिया के उस पार्ट के रहने वाले लोग वाकई हंसेंगे आपके नए इस जाल वाले नोशन के ऊपर, इस तरह के आधुनिक सभ्यता वाले विचारों के ऊपर। द इंग्लिश डू नॉट रूल ओवर देम, वहाँ पर अंग्रेज भी अब तक अपना शासन नहीं पहुँचा पाए हैं। नॉ डू दे नो अस, और ना ही वे हमें जानते हैं। आई वुड सर्टेनली एडवाइस यू एंड दोज लाइक यू हु लव द मदरलैंड टू गो इन टू द इंटीरियर, मैं सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा आप जैसे लोगों को कि आप जो मदरलैंड से प्यार करते हैं वो इंटीरियर में जाकर, यानी ऐसे जगह पर जाकर देखें डेट हैज़ येट बिन पॉल्यूटेड बाय द रेलवे, जहाँ पर अभी तक रेलवे नहीं पहुँची, यानी रेलवे की पटरियों के द्वारा, यानी एक तरह से कह दीजिए जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। एंड टू लिव देयर फॉर 6 मंथ, और वहाँ पर रहो 6 महीने के लिए रहो वहाँ पर, यू माइट देन बी पैट्रियोटिक एंड स्पीक ऑफ होम रूल, तो आप खुद ही आप में एक पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाएगी और आप स्वराज के बारे में बोलने लगेंगे। नाउ यू सी व्हाट आई कंसीडर टू बी रियल सिविलाइजेशन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस रियल सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचता हूँ। दोज हु वॉन्ट टू चेंज कंडीशन सच एज आई हैव डिस्क्राइब्ड आर एनिमीज ऑफ द कंट्री एंड आर सिनर्स, और वे लोग जो कि यहाँ की कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि वो हमारे समाज के, हमारे देश के दुश्मन हैं और पापी हैं। रीडर, इट वुड बी ऑल राइट इफ इंडिया वर एग्जैक्टली एज यू हैव डिस्क्राइब्ड इट, चलिए मैं मान लेता हूँ ये सब ठीक है आपने जैसा इंडिया को डिस्क्राइब किया है, बट इट इज़ ऑल्सो इन इंडिया वेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड विडोज, लेकिन ये इंडिया वही इंडिया है जहाँ पर बहुत सारी बाल विधवाएं हैं। वेयर 2 ईयर ओल्ड बेबीज आर मैरिड, दो दो साल के बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। वेयर 12 ईयर ओल्ड गर्ल्स आर मदर्स, 12 साल की लड़कियाँ मदर्स बन जाती हैं, हाउस वाइफ बन जाती हैं। वेयर वीमेन प्रैक्टिस पॉलेंट्री, जहाँ पर विमेंस के साथ बहुत गलत होता है। वेयर द प्रैक्टिस ऑफ नियोगा ऑप्टेंस, जहाँ पर नियोगा ऑप्टेंस की नियोगा की प्रैक्टिस होती है। वेयर इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पर गर्ल्स डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू प्रोस्टिट्यूशन, गर्ल्स प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन गॉड्स एंड शिप्स आर किल्ड, गॉड और शिप को मारा जाता है धर्म के नाम पर। डू यू कंसिडर दिस ऑल्सो एज सिम्बल्स ऑफ द सिविलाइजेशन डेट यू हैव डिस्क्राइब, क्या आप समझते हैं कि ये भी सभ्यता का सिम्बल है जैसा कि आपने बताया है। एडिटर, यू मेक अ मिस्टेक, आपने बोलने में कुछ गलती की है। द डिफेक्ट्स दैट यू हैव शोन आर डिफेक्ट्स, जो चीज़ें आपने, जो डिफेक्ट्स आपने बताए वो वाकई हमारे देश में दोष हैं। नोबडी मिस्टेक्स देम फॉर एंशियंट सिविलाइजेशन, लेकिन कोई भी अपने एंशियंट सिविलाइजेशन के लिए उनको मिस्टेक, उनको कोई भी अपनी एंशियंट, अपने पुराने सिविलाइजेशन के साथ कोई मिस्टेक नहीं करता है। दे रिमेन इन स्पाइट ऑफ इट, लेकिन वह फिर भी रहती हैं। अटेम्प्ट्स हैव ऑलवेज बीन मेड एंड विल बी मेड टू रिमूव देम, और जो है सब लोग कोशिश करते रहते हैं उनको रिमूव करने की। वी मे यूटिलाइज अ न्यू स्पिरिट दैट इज बॉर्न इन अस फॉर पर्सिंग अवर सेल्फ ऑफ दीज इवेंट्स, और साथ ही मैं उन नई आशाओं को, नए लोगों को, नई स्पिरिट को यूटिलाइज करेंगे दैट इज बॉर्न इन अस, जो कि हमें बॉर्न होती हैं फॉर पर्सिंग अवर सेल्फ ऑफ दीज इवेंट्स, इन इवेंट्स को हटाने में, रिमूव करने में, शुद्ध करने में हमें यूटिलाइज, नए स्पिरिट को यूटिलाइज करना चाहिए। बट वॉट आई हैव डिस्क्राइब टू यू एज एम्बलेंस, एम्बलम्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो कुछ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है वो सब मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रतीक हैं। आर एक्सेप्टेड एज सच बाय इट्स वॉटरीज, और जो इसको मानने वाले हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब माई बाई मी,
जो इंडियन सिविलाइजेशन है जैसा कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वॉटरीज, और उसको भी वो जो उसको मानने वाले लोग हैं उसको वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं. इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नो अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन. किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी सिविलाइजेशन में कोई भी सब लोग परफेक्ट नहीं होते हैं. द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपिगेट इमोरलिटी, और इंडियन सिविलाइजेशन में की जो टेंडेंसी है वो है इमोरलिटी को ख़त्म करने की. द लेटर इज़ गॉडलेस, जो बाद वाला है यानी कि लेटर इज़ गॉडलेस, लेटर यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है. फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, लेकिन फॉर्मर यानी इंडियन सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन, वो भगवान में विश्वास में विश्वास करती है. सो अंडरस्टैंडिंग एज सो बिलीविंग, तो इस चीज़ को समझ कर मानते हुए इट बिहूव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, हर इंडिया के लवर लवर को, प्यार करने वाले को, टू क्लिंग टू द इंडियन सिविलाइजेशन. इंडियन सिविलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए इवन एज ए, और साथ ही उससे उसके लगाव रखना चाहिए इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. जैसे कि बच्चा अपनी मदर्स की ब्रेस्ट पर, अपने मदर्स की छाती से, अपने मदर की गोद में लिपटा रहता है, उसे भी अपने इंडिया से प्यार करना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम.